हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए, हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे, ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे लाइट आया और लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। तो अब तक जो डिस्कशन हुआ हमारा सारा प्रीवियस सेशन में, वो सारा प्लेन सरफेस पे डिस्कशन हो रहा था, प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा था। अब जो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वो स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लीजिए जो कि स्फेरिकल हो, जैसे कि आप खोखला स्फेयर ले लीजिए ग्लास का, जो कि खाली हो अंदर में। ग्लास का स्फेयर लीजिए जो खाली हो और किसी बगल से काट दीजिए, किसी साइड से उसको कट कर दीजिए, देखिए वो क्या निकल जाएगा, स्फेरिकल सरफेस निकल जाएगा। जरूरी नहीं हो ये ग्लास का ही हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का स्फेरिकल सरफेस हो सकता है। हम एक बता रहे हैं एग्जाम्पल ग्लास के लिए, जो कि कॉमन है। तो ग्लास का एक खोखला होलो स्फेयर ले लीजिए और उसको साइड से कट कर दीजिए, किसी भी साइड से उसको कट करिए, तो वो जो कटा हुआ भाग होगा वो आपको कैसा लगेगा, स्फेरिकल सरफेस की तरह बिहेव करेगा वो। तो उसमें भी देखिए, जैसे कि ये ग्लास का स्फेरिकल सरफेस, ग्लास का स्फेयर है जो कि होलो है, तो इसको आप इस साइड से कट कर लीजिए तो ये ऐसा सरफेस बन जाएगा, ये ऐसा सरफेस बन जाएगा। इस साइड से कट लीजिए, ऐसा सरफेस बन जाएगा। अब ये देखिए, ये भी दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक इधर और एक इधर। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, देखिए लाइट यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये कैसा सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये कैसा सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये उभरा हुआ है, तो ये हो गया कन्वेक्स और ये हो गया आपका कनकेव। इसको इधर देख लीजिए, ये आपका कनकेव हुआ, इस भाग को जब कट किए तो ये कन्वेक्स हुआ और इस पार्ट्स इस तरफ से कट किए हैं उसको, तो ये कनकेव हुआ है। देखिए इधर का जो ये मीडियम है, इधर का जो ये मीडियम है, ये मीडियम मान लीजिए म्यू टू और ये मीडियम मान लीजिए म्यू वन, और इधर का मीडियम है म्यू टू, ओके, इधर का मीडियम है म्यू वन। इधर का जो मीडियम है इस साइड का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, और इस साइड का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। तो ये कनकेव, यहाँ से लाइट जाएगा और ये रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये भी स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो टिल नाउ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन, सॉरी प्लेन सरफेस पर हम लोग रिफ्रैक्शन का डिस्कशन कर रहे थे, और अभी हम लोग अब जो है स्फेरिकल सरफेस पर लाइट का रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसको पहले इतना तो लिख लीजिए, ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ
ट्रांसपेरेंट मीडियम, होलो स्फीयर लिखिएगा, होलो स्फीयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वन क्या बोलिए, वन जो है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अनदर वन कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरा कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको लिख लीजिए, अब देखिएगा ये जो आपका है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका फिगर बताते हैं। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आपका ये हो गया कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये आपको दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो ये आपका इधर मीडियम टू हो गया, इधर मीडियम वन हो गया, इधर मीडियम वन हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन ले लीजिए, इधर आपका मीडियम टू हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू ले लीजिए, ठीक है। ये आपका कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। क्लियर, कन्वेक्स हो गया। अब हम लोग दूसरा सेकेंड वन क्या लिखेंगे, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अब इसको इसका फिगर ड्रॉ करके इसको लिख लीजिए पहले। हाँ, अब देखिए कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हो गया आपका, ये मीडियम टू हो गया, और इधर जो है आपका मीडियम वन है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इधर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। ये आपका कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देखिए इसमें जो है ना दोनों सरफेस लेकर के हम आपको बताते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक तो फर्स्ट वन कन्वेक्स, तो अब देखिए ये जो कन्वेक्स है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, हेलो एवरीवन थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो कन्वेक्स है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये लाइट गया यहाँ से ये बेंड कर गया, ये यहाँ पे आपका इमेज बना, ये कन्वेक्स है यहाँ से गया और ये ऐसे बेंड कर गया, तो ये कभी यहाँ मिलेगा नहीं, लेकिन इसको पीछे ड्रॉ करिएगा तो यहाँ मिलेगा। तो ये जो इमेज बनेगा और ये जो इमेज बना, दोनों में क्या फ़र्क हुआ, ये वाला रियल इमेज है आपका और ये वाला वर्चुअल इमेज है। तो हम रियल इमेज बना करके देखते हैं पहले, तो फिर इसमें वर्चुअल बना करके आपको दिखाएंगे, और दूसरा आप कनकेव भी लेकर के देख सकते हैं, तो कनकेव में वर्चुअल इमेज ही बनेगा। ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे ना तो इसमें दोनों केस होगा, रियल इमेज भी वर्चुअल इमेज भी, और जब ये लेंगे तो यहाँ से ये आपका सेंटर से नॉर्मल जाएगा तो ये इधर बेंड करेगा, तो इसको पीछे करेंगे तो यहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो देखिए बातें दोनों हो सकता है, इधर रेरर इधर डेंसर, रेरर से डेंसर में भी लाइट जा सकता है, इधर डेंसर इधर ले लीजिए रेरर, डेंसर से रेरर में भी जा सकता है। तो हम एक बार रियल इमेज बना करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, एक बार फिर वर्चुअल इमेज बना करके दोनों के लिए। तो फॉर फर्स्ट में लिखेंगे फॉर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ए नंबर में इसमें When real image is formed, इसको लिख लीजिएगा, तो फिगर ड्रॉ करके हम प्रूफ करते हैं, फिगर ड्रॉ करके करते हैं, इसको पहले लिखिए आप। चलिए ठीक है, देखिए ये कन्वेक्स सरफेस ले लेते हैं आपका, ये मान लीजिए मीडियम टू उधर है, मीडियम वन इधर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, देखिएगा प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये लाइट गया यहां पे, ये मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, ये यहां पे नॉर्मल डाल दीजिए, तो नॉर्मल कहां पे जाएगा, ये नॉर्मल जो डालिएगा तो ये कहाँ पे मीट करेगा जा करके सेंटर पे। अब ये रेरर से डेंसर जा रहा है तो डेफिनेटली नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, तो ये जो नॉर्मल है यहाँ से जो ये एंगल बनाएगा तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अरे बोलिए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा इधर देखिए, और ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, ये यहाँ पे कट किया, ये इमेज बना रियल इमेज, और ये नॉर्मल से जो बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये आपका पोल है,
ये आपको एम है। टू ड्रॉ एम एन परपेंडिकुलर टू पी सी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए पी सी पे, ये एम एन ड्रॉ कर दीजिए, क्लियर है। इस एंगल को अल्फा मानिए, इसको बीटा मानते हैं, इसको गामा मानते हैं। ध्यान से देखिएगा, अल्फा बीटा और गामा, तो इन ट्रायंगल ओ एम एन, ओ एम एन अल्फा को नियर अबाउट क्या लिखेंगे, 10 अल्फा, और 10 अल्फा को लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, एम एन बाय ओ एन। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल एम एन सी बीटा को नियर अबाउट लिखेंगे 10 बीटा, चूंकि हम लोग स्मॉल एपर्चर के लिए थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 10 थीटा हम लोग पहले देख चुके हैं, तो बीटा को लगभग 10 बीटा, 10 बीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस एम एन बाय एन सी। इंट्रैंगल एम एन आई देखिएगा, इंट्रैंगल एम एन आई गामा को लिखेंगे 10 गामा, और 10 गामा इक्वल टू एम एन बाय एन आई, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इतना तो लिखे हम, अब आप बताइए इंट्रैंगल ओ एम सी, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे बताते हैं ओ एम सी, समझिएगा, ये आई है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये एक्सटेरियर एंगल और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो एक्सटेरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, आप क्या लिखेंगे सोचिए, आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो इंट्रैंगल ओ एम सी, इंट्रैंगल ओ एम सी आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आप इसको इक्वेशन वन सपोज कर लीजिए, फिर इंट्रैंगल एम सी आई देखिएगा, एम सी आई इसमें सोचिए क्या करेगा, एक्सटेरियर एंगल आपका कौन हुआ बीटा, हेलो ध्यान दीजिए, एक्सटेरियर एंगल बीटा और टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर और गामा, ये गामा है ध्यान दीजिएगा, तो बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा, तो आर इक्वल टू क्या लिख देंगे, बीटा माइनस गामा, ये इक्वेशन टू मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे आप, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल क्या लिखते हैं आप, साइन आई को लगभग आई लिख देंगे और साइन आर को लगभग आर लिख देंगे, तो आई बाय आर, साइन आई को आई, चूंकि एंगल यहां पे स्मॉल हो जाएगा, एपर्चर स्मॉल है, और पूरा ऑप्टिक्स हम लोग स्मॉल एपर्चर लेकर के डिस्कस करते हैं, तो आई बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, तो म्यू वन आई आई इक्वल टू म्यू टू आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। नाउ आई इक्वल टू यहां पे क्या रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा, और R इक्वल टू क्या, बीटा माइनस गामा, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए पॉज करके, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे करना इसको लिखिए,
तब फिर इसको प्रोसीड करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहां पे देखिए म्यू वन आई, तो म्यू वन आई को क्या पुट करेंगे आप बताइएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, तो बीटा माइनस गामा। म्यू वन अल्फा को पुट किए थे टेन अल्फा और एम एन बाय ओ एन प्लस एम एन बाय एन सी इक्वल टू म्यू टू बीटा एम एन बाय एन सी माइनस एम एन बाय एन आई। ठीक है, क्लियर हुआ, एम एन बाई एन आई। अब यहां पे एम एन दोनों साइड से कॉमन ले लीजिए, तो एम एन कैंसिल आउट होगा, तो म्यू वन वन बाय ओ एन प्लस वन बाय एन सी इक्वल टू म्यू टू वन बाय एन सी माइनस वन बाय एन आई। क्लियर है। अब यहाँ फॉर स्मॉल एपर्चर देखिए, फॉर स्मॉल एपर्चर स्मॉल एपर्चर के लिए देखेंगे कि ये जो n है यहाँ पे, ये p की ओर टेंड कर जाएगा। देखिए ये यहाँ पे n है, यहाँ पे p है, और छोटा करिए ये n यहाँ पे p, और छोटा करिए ये n और p, तो n नियर अबाउट p के पास चला जाएगा। तो फॉर स्मॉल एपर्चर, फॉर स्मॉल एपर्चर क्या करेंगे बोलिए, n जो है टेंस्ट हो जाएगा p की, तब हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, तब हम लोग देखिए यहां पे वन बाय ओ पी, एन के लिए पी लिख देंगे, वन बाय पी सी इक्वल टू म्यू टू इंटू वन बाय पी सी माइनस वन बाय पी आई। अब देखिए यहां पे ओ पी आपका कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है U, ये इमेज का डिस्टेंस V, वहां पे इंडिकेट कर दीजिएगा, तो इधर है तो OP इक्वल टू माइनस U, इस साइड का डिस्टेंस है, और जहां जब भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे पोल से और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर का डिस्टेंस माइनस, और पी आई इक्वल टू वी और पी सी इक्वल टू आर आप वहां पुट कर दीजिए, म्यू वन वन बाय माइनस यू प्लस वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू वन बाय आर माइनस वन बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय वी। अब क्या करिए, आर को एक साइड ले लीजिए, आर टर्म्स, ये जो आर का है म्यू वन बाई आर और म्यू टू बाई आर, इसको वन साइड ले लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर लिख सकते हैं, आर एलसीएम ले लेंगे, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया कहाँ के लिए बोलिए, जब रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस पर होगा तब फॉर्मूला हो गया
माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये भी हम लोग ड्राइव कहाँ से किए हैं, स्नेल्स लॉ लगा करके ही। देखिए जब प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता था तो प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे, बोलिए साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। जब भी रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस पे होगा तो फार्मूला लगाएंगे, प्लेन सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो फार्मूला लगाएंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। लेकिन जब स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये भी लेकिन हम लोग ड्राइव किए हैं स्नेल्स लॉ लगा करके ही यहाँ पे। क्लियर है? तो फिगर में ये इंडिकेट कर दीजिएगा यू और ये डिस्टेंस वी और ये पी सी जो है आर हो गया। तो इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर का डिस्टेंस निगेटिव, तो हमारा हो गया माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। क्लियर है? अब इसको हम वर्चुअल इमेज बना के प्रूफ करेंगे। अब क्या करिए आप, ये आप इसको लिख लीजिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बी नंबर में लिखते हैं, व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, ये रियल इमेज बना के प्रूफ किए थे, अब वर्चुअल इमेज बना के प्रूफ करते हैं। देखिए अच्छा लगेगा और ये दूसरा दफा हम इसको प्रूफ करेंगे। आप चाहे रियल इमेज बना करके लीजिए या वर्चुअल इमेज बना करके, फॉर्मूला आपको वही आना है। अभी हम आपको दिखाते हैं। बी नंबर में व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, देखेंगे वर्चुअल इमेज बना करके हम आपको प्रूफ करके दिखा दें। ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया ठीक है, और ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये मीडियम है आपका म्यू वन, ये मीडियम है आपका म्यू टू। क्लियर है? ये क्या करेगा बोलिए, रेरर से डेंसर में जा रहा नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। देखिए यहां पे क्या करेगा, न्यूमेरिकल बनाने वक्त ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसको मी वन लीजिएगा, और जिसमें डेफिनेटली जहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा उस मीडियम को मी वन लीजिएगा। अब ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा,
देखिए ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया, तो ये कभी मिलेगा नहीं इससे, तब आप इसको क्या करिएगा, पीछे वापस लीजिएगा। तो देखिए पीछे वापस लीजिए इसको, ये हो गया। ये हो गया, तो ये आपको जा करके यहाँ पे इमेज बना, ये आपका सेंटर है, ये पॉइंट एम लीजिए जैसा लिए थे, यहाँ से ड्रॉ करिए, ये आपका एन होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये आपका गामा है। क्लियर है? जैसा वहाँ पे किए थे वैसा यहाँ भी करेंगे। ड्रॉ एम एन परपेंडिकुलर टू पी सी इन ट्रायंगल ओ एम एन, तो अल्फा को कहेंगे टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू एम एन बाय ओ एन, बीटा को इन ट्रायंगल एम एन सी लीजिए, बीटा को लिख देंगे 10 बीटा और 10 बीटा इक्वल टू एम एन बाय एन सी, और इन ट्रायंगल एम एन आई ले लीजिए, ठीक है एम एन आई, गामा को लिखेंगे 10 गामा और 10 गामा को लिखेंगे एम एन बाय एन आई। क्लियर है? अब देखिए इन ट्रायंगल ओ एम सी यहाँ पर आई एक्सटीरियर है, अल्फा और बीटा इंटीरियर है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आई एक्सटीरियर, अल्फा और बीटा इंटीरियर, तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसको इक्वेशन वन लेंगे, और इन ट्रायंगल एम सी आई, एम सी आई में देखिए एम सी आई सॉरी एम एन आई लीजिए, नहीं नहीं एम सी आई लीजिए, एम सी आई, ये जो गया है ये आर होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान दीजिए, तो आर एक्सटीरियर हो गया और गामा और बीटा इंटीरियर है, यहाँ पे आर एक्सटीरियर है, ध्यान दीजिए बीटा और गामा इंटीरियर है, तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर टू हो गया। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ बताएंगे, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, तो इस स्मॉल एंगल के लिए क्या बोले, फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्वल टू आई और साइन आर नियर अबाउट आर, तो आई बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, म्यू वन इंटू आई इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, यहाँ तक कंप्लीट करिए, इसको लिखिए। ठीक है, इसको लिख लिए। अब यहाँ पे जो किए हैं हम लोग, म्यू वन आई, आई को जो लिखेंगे आप अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, और म्यू टू आर को बीटा प्लस गामा लिखेंगे, और अल्फा को आप लोग लिखे थे एम एन बाय
ओ एन प्लस बीटा को लिखे थे एम एन बाय एन सी इक्वल टू म्यू टू एम एन बाय एन सी प्लस एम एन बाय एन आई लिखे थे। क्लियर? एम एन एम एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो म्यू वन वन बाय ओ एन प्लस वन बाय एन सी म्यू टू वन बाय एन सी प्लस वन बाय एन आई। तो फॉर स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर के लिए क्या होगा, एन जो है पी पे टेंस कर जाएगा, तो यहाँ पे एन को पी लिख देंगे। ये बताएं ना, ये समझे ना, एन को कैसे पी लिख देते। देखिए ये एपर्चर छोटा होता जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो है एन नियर अबाउट पी पे आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत कम गैप रहेगा, तो एन को हम लोग पी लिख सकते हैं। तो म्यू वन इंटू वन बाय ओ पी प्लस वन बाय पी सी इक्वल टू म्यू टू इंटू वन बाय पी सी प्लस वन बाय पी आई। क्लियर है? तो ओ पी जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू, पी सी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, लेकिन इमेज इधर ही बना है, तो पी आई जो लिखिएगा माइनस वी लिख देंगे। तो म्यू वन इंटू वन बाय माइनस यू प्लस वन बाय आर म्यू टू वन बाय आर माइनस प्लस और माइनस वन बाय वी, तो माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू वन बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय वी, ये इधर आ जाएगा। तो माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर हो जाएगा, ये उधर जा करके। फाइनली देखिए फिर वही फार्मूला हो गया हमारे पास, माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। फाइनली फार्मूला वही हो गया, आप इसको भी लिख लेते, थोड़ा फास्ट करिए, इसको लिख लीजिए, तब हम फिर कनकेव सरफेस के लिए करेंगे। हो गया ना? अब फिर देखिए दूसरा, फॉर कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहां पे देखिए कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये है, इसमें एक करके दिखा देते हैं, ये आपका पोल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट गया, ये मान लीजिए सेंटर है, तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये लाइट क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, या तो इसको और दूर थोड़ा ले लीजिए, तब आपके लिए आसान होगा। यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट गया,
क्लियर है। ये जो है पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। अब ये नॉर्मल की ओर बेंड किया, थोड़ा बेंड दिखाइएगा, देखिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा, थोड़ा बेंड दिखाइएगा। नॉर्मल की ओर बेंड किया, चूँकि ये म्यू वन है और ये म्यू टू है डेंसर मीडियम। अब इसको जो पीछे करिएगा ना, यहाँ पे ये इमेज बनेगा और ये आपका सेंटर था। तो ये कैसा इमेज बना वर्चुअल, तो ये एंगल आपका अल्फा, ये बीटा और ये गामा बन गया यहाँ। और थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो एंगल हुआ, ये हमारा क्या हो गया आर एंगल, ये जो रिफ्रैक्टेड रे बनाया ये आर हो गया। अब यहां पे देखिए, ये आपका पॉइंट एम है, एम से ड्रॉ करिए एन। ये तो आप अपने से कर लेंगे, दो सीख गए ना, तो ये आप खुद से कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा, ये एक लाइन नहीं है, ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया है, थोड़ा स्लाइट बेंड किया है। वहाँ पे देखिएगा, आप अपना फिगर बनाने वक्त ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से जो लाइट गया है तो थोड़ा बेंड हो गया नॉर्मल की ओर। तो अपना फिगर बनाने वक्त ध्यान से बनाइएगा, है ना। तो ये अल्फा और ये सेंटर पे जो बना रहा है बीटा, और ये जो इमेज बनाया है गामा। तो ड्रॉ सेम प्रोसेस, ड्रॉ एम एन परपेंडिकुलर टू पी सी, क्लियर, इन ट्रायंगल ओ एम एन। अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू एम एन बाय ओ एन, इन ट्रायंगल एम एन सी, बीटा इक्वल टू टेन बीटा और टेन बीटा इक्वल टू एम एन बाय एन सी, इन ट्रायंगल एम एन आई, गामा इक्वल टू टेन गामा और टेन गामा इक्वल टू एम एन बाय एन आई, क्लियर है। अब देखिए इन ट्रायंगल, यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ओ इसको एम ले ही लीजिए, ओ एम सी। तो ओ एम सी में देखिए, ये अल्फा ध्यान से देखिएगा, ओ एम सी हम बना देते हैं यहां पे, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये पूरा आई है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, इंट्रेंगल ओ एम सी में ये आपका बीटा है एक्सटीरियर, ये अल्फा और आई है इंटीरियर, बताइए क्या लिखेंगे। तो लिख देंगे बीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, मींस आई इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इक्वेशन वन, क्लियर है। और इन ट्रायंगल एम सी आई लीजिए, एम सी आई, एम सी आई, थोड़ा इसको समझिएगा। देखिए ये बीटा है, ये गामा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हेलो यहाँ पे फिगर में ध्यान दीजिएगा, बीटा है गामा है और ये वाला आर हो जाएगा, क्योंकि उधर आर जो है ये लिखते नहीं है, यहाँ पे देखिए ना, समझ लीजिए ये आर है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, बीटा इक्वल टू गामा प्लस आर, तो आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा इक्वेशन टू अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। क्या लिखेंगे, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, फॉर स्मॉल एंगल आई बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय
मी वन, आप एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए एक बात हम फिर से ध्यान देने के बता रहे हैं कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया, यहाँ से ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बनाया है, उसको पीछे खींचे हैं, यहाँ पे इमेज आई बना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए तब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ के बाद। देखिएगा साइन आई को आई लिख देंगे और साइन आर को आर लिख देंगे स्मॉल एंगल के लिए, मीन्स आई इक्वल टू आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, तो म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर, म्यू वन आई, आई को लिखेंगे बीटा माइनस गामा और आर को लिखेंगे आप लोग बीटा, नहीं नहीं ये बीटा माइनस अल्फा है, ये बीटा माइनस गामा है, मी वन बीटा को लिख देंगे आप एम एन बाय एन सी माइनस एम एन बाय ओ एन इक्वल टू म्यू टू एम एन बाय एन सी माइनस एम एन बाय एन आई लिखेंगे आप, एम एन एम एन दोनों साइड से कैंसिल आउट, तो मी वन, मी वन वन बाय एन सी माइनस वन बाय ओ एन, म्यू टू वन बाय एन सी माइनस वन बाय एन आई, फॉर स्मॉल एपर्चर आप क्या लिख देंगे, एन टेंस टू पी हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे म्यू वन वन बाय पी सी माइनस वन बाय पी, पी एन ओ पी, सॉरी हाँ वन बाय ओ पी हो जाएगा, ये इक्वल टू म्यू टू वन बाय पी सी माइनस वन बाय पी आई। अब यहाँ पे ओ पी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, पी सी इक्वल टू माइनस आर, पी आई इक्वल टू माइनस बी, सारा इधर ही है, तो म्यू वन वन बाय माइनस आर माइनस वन बाय माइनस यू, म्यू टू वन बाय माइनस आर माइनस वन बाय माइनस बी, तो माइनस म्यू वन बाय आर माइनस माइनस प्लस म्यू वन बाय यू इक्वल टू माइनस म्यू टू बाय आर प्लस म्यू टू बाय वी, तो फिर ये वही हो जाएगा, इसको आप उधर ले लीजिए यहाँ पे कर लीजिएगा, फाइनली ये माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर ही हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको उधर लेके चले जाइएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये उधर जाके माइनस म्यू वन बाई यू हो जाएगा, अब प्लस म्यू टू बाय भी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा ये कंप्लीट हो गया। इसका मींस क्या समझे, कोई भी स्फेरिकल सरफेस होगा, जब स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा लाइट का तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, बुझे, ठीक है। आज यहाँ तक रहने दीजिए, इसको कंप्लीट करके रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे
और डाउट सेशन भी देखते चलिए सारा। डाउट सेशन आपका होता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, टाइम 5 PM। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे टाइम जो है 5 PM। क्लियर है? ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।